देखिए, शिवराज सिंह जी के जो आरोप जो है सब बेबुनियाद है, और वो तो इतनी जल्दी इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से हम सरकार को आउट करें और हम बैठ जाएं, ठीक है। और जब से सरकार से वो बाहर हुए हैं तब से छटपटा रहे हैं, हमारी सरकार को जो और हमारे मुख्यमंत्री जी के काम करने का तरीके को हजम नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से आनंद फानन में वो तो ये चाहते हैं कि एक एक दिन जो कैसा निकल रहा है कांग्रेस की सरकार, और वो ये जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी की जो काम करने का जो तरीका और जो शैली है वो जम गए, तो फिर आगे के लिए भी इनको आउट कर देंगे। इस कारण से सब आनंद फानन में सारे इस तरह की बयानबाजियां जो कर रहे हैं, लेकिन जैसा वो जो बोल रहे हैं ऐसा है नहीं। उनसे बेहतर स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी है, लेकिन फिर भी हम और इसमें और बेहतर व्यवस्थाएं हम मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं, और उसमें हम लोग लगे हैं। इसके लिए हमने योजना बना रखी है और कानून हमारा सख्त है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारा कसा हुआ भी है, हम लोगों की तमाम कोशिशें रहती है, लेकिन कोशिशों के बावजूद भी कई घटनाएं घट जाती है, तो हम बहुत जल्दी उनका पर्दाफाश भी करते हैं। घटनाएं नहीं घटना चाहिए, इसके लिए हमारी ये सतत कोशिश है, और हम इसके लिए वचनबद्ध भी है, और हम इस लाइन पर काम भी कर रहे हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता को पूरी तरह से उनकी रक्षा और हिफाजत और उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से हम कसावट और करना चाहते हैं। तो जहां जैसा अगर कहीं पर भी कहीं अगर लापरवाही अगर विभाग की भी आती है तो हम तत्काल उनको पनिश भी कर रहे हैं। देखिए, जो फाइटिंग तो ये परसों की घटना है, ठीक है, और दोनों रेपिस्ट है, हमने उज्जैन वाले रेपिस्ट को और ये भोपाल वाले को भी हमने अरेस्ट किया है, और बहुत जल्द हम इनमें चालान पुटअप करा के एक महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो बोला है कि विद इन 1 मंथ हम उसको सजा दिलवाएंगे।